तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं आपके घर के अंदर क्या कुछ किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे कि हम मान लें कि आपके घर का वास्तु लगभग सही है। मान लीजिए घर है, ईस्ट साइड है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अगर सबसे पहले हम अगर बात करें टॉयलेट की, गाइस अगर इस एरिया में आपने अपने घर के टॉयलेट बना रखे हैं तो आप मान के चलिए लगभग सही डायरेक्शन में आपने टॉयलेट बना रखे हैं, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और वहीं अगर बात करें हम आपके घर में पूजा स्थान की, बोरवेल की, ट्यूबवेल की या पानी के टैंक की, तो वो अगर आपने इस एरिया में बना रखे हैं तो भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने यहाँ पे बोरवेल, ट्यूबवेल, नल या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है तो। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें किचन की, थर्ड ऑप्शन आता है जो हर घर के लिए मेन होता है, अगर वो आपने घर के इस हिस्से के अंदर आपने अपना रसोई घर या किचन बना रखा है इस एरिया में तो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा ईस्ट की साइड भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउथ की साइड भी चल सकता है। और अगर हम बात करें जो घर की सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर आपने कहाँ बना रखे हैं, वो अगर आपने यहाँ पे बना रखे हैं इस एरिए में, इसे आप थोड़ा आगे तक भी ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं, अगर इस एरिए में बना रखे हैं तो लगभग आपने अपने घर का जो वास्तु है बहुत ही काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया कर रखा है। और गाइस जो एक मेन पॉइंट रहता है, घर के सेंटर में आपने किसी भी तरह का कोई गड्ढा तो नहीं कर रखा, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जो घर का सेंटर है ये ब्रह्म स्थान कहलाता है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें, आप किसी का भी घर हो, कैसा भी घर हो, किसी भी डायरेक्शन का घर हो, किसी भी एरिया में घर हो, घर के सेंटर पॉइंट में कभी भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का है तो आप तुरंत से उसे बंद करवा सकते हैं, तुरंत आप बंद करवा सकते हैं, इसमें आपको किसी वास्तु की नॉलेज नहीं है। अगर आपको लगता है किसी के घर में ब्रह्म स्थान में सेंटर में गड्ढा है तो आप उसे तुरंत बंद करवा दें, ये वास्तु दोष कभी भी किसी के घर में नहीं होना चाहिए। अगर लगभग ये सब चीज़ें आपके घर में हैं तो आप मान के चल सकते हैं आपके घर का वास्तु बहुत ही बढ़िया है। और गाइस टॉयलेट की जैसे हमने बात की, सेफ्टी टैंक की, वो इस एरिए में आ सकता है। अगर आपने इस एरिए में कोई टॉयलेट या सेफ्टी टैंक बना रखा है तो वो बहुत ही ख़तरनाक है, उसका आप ज़रूर से ज़रूर इलाज करें, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन तो होती है टॉयलेट की, लेकिन वो ग्रिड करने के बाद ही आप बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है अगर आपने इस हिसाब से अपने घर को बैलेंस कर रखा है। अगर आप नया बनवाने जा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखें और आप किसी से ग्रिड जरूर करवा लें अपने घर को। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।